हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल नॉलेज एकेडमी। आज हम फिगर्स ऑफ स्पीच के संदर्भ में डिस्कशन करेंगे। प्रायः मैंने देखा है कि स्टूडेंट्स फिगर्स ऑफ स्पीच को लेकर कंफ्यूज हो जाते हैं और इसे रिकॉग्नाइज करने में उन्हें असुविधा होती है। अतः मैंने सोचा कि एक ऐसा वीडियो बनाया जाए जो उनके लिए हेल्पफुल रहेगा। किंतु सर्वप्रथम मैं आपसे यह कहूँगी कि आप मेरा चैनल अवश्य सब्सक्राइब करें ताकि समय समय पर एजुकेशन से संबंधित जो भी वीडियो आए वो आप देख सकें एवं लाभान्वित हो सकें। यदि फिगर्स ऑफ स्पीच के संदर्भ में चर्चा करें तो इनमें सर्वप्रथम सीमली है, यानी उपमा अलंकार है। अ सीमली इज़ अ कंपैरिजन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स ऑफ डिफरेंट काइंड्स विच हैव एटलीस्ट वन पॉइंट इन कॉमन। द वर्ड्स एज, लाइक और सो आर यूज फॉर कंपैरिजन। यानी उपमा अलंकार दो भिन्न प्रकार की वस्तुओं की तुलना करता है जिनमें कम से कम एक गुण समान हो, और एज, लाइक एवं सो शब्दों का प्रयोग समानता व्यक्त करने के लिए किया जाता है। इफ वी सी द एग्जाम्पल्स, वी बियर हर अलोंग लाइक अ पर्ल, इट ड्रॉप्ड एज द जेंटल रेन फ्रॉम द हेवन, दाई सोल वॉज लाइक अ स्टार, माई हार्ट इज लाइक अ सिंगिंग बर्ड, माई शर्ट इज वाइट लाइक स्नो। सो दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ सीमली। यदि सीमली की पहचान के लिए हमें निम्न बिंदुओं का ध्यान रखना आवश्यक है कि दो वस्तुएं भिन्न प्रकार की होनी चाहिए, दोनों में कम से कम एक बात का गुण समान होना चाहिए, और समानता प्रकट करने के लिए एज, लाइक एवं सो का प्रयोग होना चाहिए। नेक्स्ट फिगर्स ऑफ स्पीच है वह है मेटाफर। अ मेटाफर इज एन इम्प्लाइड सीमली। It is the imaginative use of word or phrases to describe something else to show that the two have the same qualities. यानी रूपक metaphor एक प्रकार की लुप्त या छिपी हुई सीमली है। यह सीमली की तरह यह नहीं बताती है कि एक वस्तु दूसरी की तरह है, वरन यह प्रकट करती है कि दोनों वस्तुएं एक ही हैं। इफ़ वी सी द एग्जाम्पल्स, लाइफ इज़ अ ड्रीम, द कैमल इज़ द शिप ऑफ द डेजर्ट, कालिदास इज़ द शेक्सपियर ऑफ इंडिया, लाइफ इज नॉट अ बेड ऑफ रोजेज, फ्रेंडशिप इज़ अ शेल्टरिंग ट्री। सो दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ मेटाफर। सीमली और मेटाफर में यदि हमें अंतर समझना हो तो हमें ध्यान में रखना होगा कि सीमली में तुलना प्रकट करने के लिए एज, लाइक एवं सो शब्दों का प्रयोग किया जाता है एवं तुलना दो विभिन्न वस्तुओं में होती है, जबकि मेटाफर में तुलना इतनी पूर्ण लगती है कि दो वस्तुएं एक ही हो जाती हैं तथा तुलना प्रकट करने वाले शब्दों का प्रयोग नहीं किया जाता है। नेक्स्ट है पर्सोनिफिकेशन, यानी मानवीकरण अलंकार। इफ वी सी द डेफिनेशन, इन पर्सोनिफिकेशन लाइफलेस ऑब्जेक्ट्स एंड एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज आर थॉट ऑफ एज पर्सन्स हैविंग लाइफ। इट इज़ द एक्ट ऑफ रिप्रेजेंटिंग ऑब्जेक्ट्स और क्वालिटीज एज ह्यूमन बीइंग्स। इफ वी सी द एग्जाम्पल्स, अपॉर्चुनिटी नोक्स एट द डोर बट वंस। यानी इस अलंकार में निर्जीव वस्तुओं तथा भावों को सजीव मानकर व्यक्ति के रूप में वर्णन किया जाता है, यानी उनका मानवीयकरण कर दिया जाता है। इफ वी सी अदर एग्जाम्पल्स, एंग्जाइटी इज सिटिंग ऑन हर फेस, लव इज ब्लाइंड, द मून वैलिड हर फेस। अनदर एग्जाम्पल्स, मिसफॉर्च्यून्स स्टार्टेड हिम इन द फेस, लाफ्टर होल्डिंग बोथ हर साइड्स। सो दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ पर्सोनिफिकेशन। नाउ लेट अस नो अबाउट अपोस्ट्रॉफी। एन अपोस्ट्रॉफी इज अ डायरेक्ट एड्रेस टू द डेड, टू द एब्सेंट और टू अ पर्सोनिफाइड ऑब्जेक्ट और आइडिया। अपोस्ट्रॉफी वह अलंकार है जिसमें मृत, अनुपस्थित या मानवीयकरण किए हुए पदार्थ या विचार को संबोधित किया जाता है। यानी ओ लिबर्टी, वाई आर यू सो डियर, ओ डेथ, वाई आर यू डियर। इन उदाहरणों में लिबर्टी को संबोधित किया गया है, जैसे जीवित व्यक्तियों को संबोधित किया जाता है।
एपोस्ट्रोफी और पर्सोनिफिकेशन में यह अंतर है कि पर्सोनिफिकेशन में किसी निर्जीव वस्तु तथा पदार्थ को संबोधित कर या सजीव मान लिया जाता है। जनरली पर्सोनिफिकेशन में किसी भी पदार्थ या निर्जीव वस्तु को हम सजीव मान लेते हैं, जबकि एपोस्ट्रोफी में किसी निर्जीव वस्तु और पदार्थ को सजीव मानकर उसे संबोधित भी करते हैं। जैसे मिल्टन दाउ शुडस्ट बी लिविंग एट दिस आवर, ओ सॉलिट्यूड वेयर आर योर चार्म्स, ओ ग्रेव वेयर इज द विक्ट्री। सो दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ एपोस्ट्रोफी। नाउ लेट अस नो अबाउट ऑक्सीमोरोन, यानी विरोधाभास अलंकार। इन दिस फिगर्स ऑफ स्पीच टू ऑपोजिट क्वालिटीज आर एडिड टू द सेम थिंग। इस अलंकार में एक ही वस्तु में दो परस्पर विरोधी गुणों को दिखाया जाता है। इट इज़ ए स्पेशल फॉर्म ऑफ एंटीथीसिस एंड ब्रिंग्स टुगेदर टू और मोर वर्ड्स इन अ फ्रेज विद अपोजिट और कॉन्फ्लिक्टिंग मीनिंग्स। एग्जाम्पल, अ वाइज फूल एंड ऑनेस्ट रगे, एन ऑनरेबल थीफ, लाइफ इज अ बिटर स्वीट, ही इज रेगुलरली इरेगुलर एंड हैविंग नथिंग ही हैथ ऑल। दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ ऑक्सीमोरोन। ऑक्सीमोरोन में एक ही व्यक्ति में दो परस्पर विरोधी गुण दिखाई देते हैं। कथन असत्य सा प्रतीत होता है, लेकिन वास्तविकता में देखने पर कथन सत्य है। इसका तात्पर्य है कि संबंधित या संबोधित व्यक्ति सदैव अनियमित रहता है। तो कहने का अभिप्राय यह है कि ऑक्सीमोरन में जो अलंकार है या ऑक्सीमोरन अलंकार में विरोधाभास निश्चित रूप से दृष्टिगोचर होता है। नाउ लेट अस नो अबाउट हाइपरबोल, यानी अतिशयोक्ति अलंकार। इन हाइपरबोल थिंग्स आर शोन एज ग्रेटर और लेस, बिटवीन बेटर और वर्स देन दे रियली आर। इस अलंकार में किसी बात को वास्तविकता से कहीं अधिक बड़ा चढ़ाकर या बहुत घटाकर स्पष्ट किया जाता है। इट इज़ एन एग्जिजरेट स्टेटमेंट ऑफ ट्रूथ फॉर द सेक ऑफ इफेक्ट। एग्जाम्पल्स, शी रैन फास्टर देन द विंड, ही ड्रैंक द होल सी। दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ हाइपरबोल। She wept ocean of tears, rivers of blood flowed in the battle. I have not seen him for ages, the waves rolled mountain high. These are the examples of hyperbole. अतः अतिशयोक्ति अलंकार में इस तथ्य पर ध्यान दिया जाना चाहिए। Now let us know about onomatopoeia, यानी ध्वनि सूचक अलंकार। इन दिस फिगर्स ऑफ स्पीच द साउंड सजेस्ट द सेंस और मीनिंग। इस अलंकार में शब्द की आवाज़ से अर्थ का बोध होता है। साधारणतः भिन्न भिन्न पक्षियों, जानवरों तथा वस्तुओं की ध्वनि के लिए अंग्रेजी में भिन्न भिन्न शब्दों का प्रयोग किया जाता है। इन शब्दों से संबंधित ध्वनि को जाना जा सकता है। Hence, दिस फिगर्स ऑफ स्पीच इज यूज इन सच अ वे एज टू मेक अ साउंड एन ईको ऑफ द सेंस। एग्जाम्पल, स्नेक्स हिस, बीज हम, द मर्मरिंग हॉन्ट ऑफ द फ्लाइज ऑन समर ईव्स, आई हर्ड द वॉटर लैपिंग ऑन द क्रेग, आई बेबिल ऑन द पेबल्स, द कैट्स म्यू, द गन्स ऑफ द हंटर स्नैप and crack. These are the examples of onomatopoeia. Now let us know about exclamation. It is a strong expression of some powerful feelings. Example, what a piece of work is man. Oh, what a noble mind is here overthrown. How sweet the moonlight sleeps upon the bank. So these are the examples of exclamation. Now let us know about irony or sarcasm. Irony is a type of statement which creates difference between reality and appearances.
Examples: He is too kind to help anybody. He is the most intelligent boy that ever failed in the examination. You are a pretty fellow. I must be taught by my duty and by you. So these are the examples of irony. आशा है आपको figures of speech समझ में आई होगी. Now that's all for today. Please take care of yourself. Thank you.